तो आज मैं RBL क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये कार्ड मेरे को RBL बैंक ने दिया है विदाउट इनकम प्रूफ। ये मेरे सिविल स्कोर पर मुझे दिया गया है। मेरा सिविल स्कोर वेरी गुड में था तो उन्होंने मेरे को कार्ड इशू किया है और ऊपर से मेरा अकाउंट इनके बैंक में है। तो चलिए इसको भी खोलते हैं। पैकिंग नॉर्मल है, HDFC बैंक की तरह अच्छी पैकिंग तो नहीं है, पर लेकिन जो भी है क्रेडिट कार्ड है अच्छा ही है। तो अब चलते हैं, इसको खोलते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे सील लगी है ताकि ये इसकी जो ताकि कि आपको मालूम हो कि हाँ इसको किसी ने तो खोला नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज उन्होंने दिया है इसमें। तो अभी हम इसको खोलेंगे पहले। तो मैं इसको खोल दिया हूँ, देखिए अभी खुल गया है और ये वाइट हो चुका है, मैंने इसकी ये खुल चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर देखूँगा मेरे को क्या क्या दिया है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं है ऐसा मेरे को लग रहा है। इसके अंदर एक कार्ड यूज हो सकता है और कार्ड के बारे में डिटेल्स कुछ दी होंगी। तो देखिए ये मेरा कार्ड है, नीचे में मेरा कार्ड इंसर्ट किया हुआ है, इसकी पेस्ट किया हुआ है ग्लू से, और कुछ मेरे अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स है और जो इशू किया है उनका सिग्नेचर है। तो देखिए यहाँ पर मेरा लिमिट दिया हुआ है कितना मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, ड्यू डेट कब होगा, तो वो सब इसमें दिया गया है। और ये किसी काम की नहीं है, बस यूजुअल है कि हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स होते हैं उसके चार्जेस क्या क्या है। तो मैं इसको मैं असाइड करता हूँ और बस, और कुछ इसमें नहीं है। तो अभी हम कार्ड को बाहर निकालते हैं। तो देखिए कार्ड आ गया है बाहर, जिसको कि मास्टर कार्ड ने इशू किया है। काफ़ी अच्छा सर्विस होता है उन लोगों का। तो अभी मैं बताऊँगा कि इस कार्ड के साथ बेनिफिट क्या क्या है। हाँ, तो इस कार्ड के जो बेनिफिट है वो आपको वेलकम गिफ्ट दिया जाएगा 2000 का रिवार्ड पॉइंट, और एंटरटेनमेंट पे अगर आप टिकट बुक करते हो 10% डिस्काउंट मिलेगा बुक माई शो पे, और अगर आप ग्रोसरी परचेज करते हो तो 20% रिवार्ड पॉइंट दिया जाएगा फील्ड पे टेनक्स है, और आपका एनुअल फीस रिवर्स हो जाएगा अगर आप 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड करते हो। तो थोड़ा है इन सब चीज़ों के बारे में। अब मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। चलिए इसको देखते हैं एक वीडियो में। तो अभी मैं इसके पिन कैसे आपको सेट करना है मैं आपको वहाँ पर लिख के जा रहा हूँ। तो आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा RBL क्रेडिट कार्ड / पिन। तो मैं अभी इस टाइम अपने फ़ोन पर देख रहा हूँ, मैं इसकी अपने डेस्कटॉप पर देख रहा हूँ। तो आप यहाँ दे सकते हो आप। तो मैं अभी rblbank.com/pin मारने से आपको आएगा, और फिर नीचे आपको शो कर देगा चेंज एंड सेट योर पिन। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको आप अपने डेस्कटॉप या तो मोबाइल के ब्राउजर में भी कर सकते हो आप, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ करिए आप। तो अभी यहाँ पर ये मेरे से मेरे जो मेरे को जो मेल में जो मेरा पिन आया था वो मेरे से मांग रहा है। तो मैं अभी अपना मेल खोलूँगा, थोड़ा मेरा फ़ोन स्लो है, प्लीज़ थोड़ा बेयर कीजिए। तो मैं अपना आउटलुक मेल खोल रहा हूँ, तो मेल मेरा खुलने वाला है जस्ट। मेरा पिन नंबर मेरे को याद नहीं था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, आपका जो पिन नंबर है। तो जैसा कि मैंने अपना भी खोल दिया है तो मैं तो स्क्रॉल करूँगा और RBL सर्च करूँगा। तो देखिए मेरे को यहाँ पे आ गया है। तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में है और तो यहाँ पे आपको पूरा मेरा जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो दिया हुआ है 0595 आपको मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मैं इसको टैप करके उसको मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद मैंने कहा ना कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड जो होगा वो मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा, जी हाँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपका पासवर्ड होगा। तो देखिए यहाँ खुल गया है और यहाँ पे मेरे को मेरा पिन नंबर आ गया है। तो अब मैं ये ओल्ड पिन को डाल के न्यू पिन जनरेट करूँगा।
तो हम बैक आते हैं अपने ब्राउजर पे आते हैं, और थोड़ा मेरा एम आई का फ़ोन है तो प्लीज़ थोड़ा से लीजिए आप लोग। हाँ तो अभी मैं यहाँ पे अपना कार डिटेल्स एंटर करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं। मैं आपको ये वीडियो बिल्कुल डीप में बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इश्यूज ना आए, पूरा जैसे मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था एड्रेसी का। मैं चाहूँ तो पार्ट्स में वीडियो बना सकता हूँ पर लेकिन नहीं, तो देखिए यहाँ मैंने अपना डिटेल्स पूरा एंटर कर दिया है। सीवी नंबर जो भी है सब कुछ आपका रेट ऑफ बर्थ पूछता है यहाँ पर, और फिर नीचे आपका ओल्ड पिन पूछेगा जो आपके मेल बॉक्स में आया था। तो अभी ये चेंज हो चुका है, मैंने अपना नया पिन जनरेट कर लिया है। ये थोड़ा सा डिटेल्स मांग रहा है, ये पूरा होते ही वो हो जाएगा। तो जैसा कि कल यहाँ दे सकते हो आप, अपने कार्ड की डिटेल्स दे दिया है और ये सक्सेसफुली मेरा हो गया, तो अच्छा वो टाइम हो गया, काफ़ी टाइम लिया। तो ये ब्लेम मैं अपने फ़ोन को करूँगा। तो अभी मेरा पिन जनरेट हो गया है, नया पिन है, उसको आप अपने सेव जगह पे सेव कीजिए। सबसे ज़्यादा सेव जगह तो आपका माइंड ही है, क्योंकि आपके माइंड को कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रहा कैसे आपको अपना पिन सेट करना है RBL बैंक का। तो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना कार्ड देखने के लिए, सेम साइट है आपकी RBL क्रेडिट कार्ड सेल्स पिन। तो देखिए अभी खुल गया है और इन्होंने कहा कि आपका सब कुछ सक्सेसफुल हो गया है, और अब मैं यहाँ से लॉगआउट हो जाऊँगा। मैं यहाँ से लॉगआउट हो रहा हूँ, अब हम मिलते हैं आगे के वीडियो में। अब हम आते हैं इसको आपको कैसे ई कॉमर्स के लिए इसको एक्टिवेशन करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है कि पहले आपको ऑथी में जाना पड़ेगा, कंट्रोल्स में RBL बैंक टाइप करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर और पैन कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद आपको OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पर। तो ये सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है जब आपको नया कार्ड इश्यू होता है तो वो बाई पोस्ट आता है, तो उसका कहीं मिस यूज ना हो जाए, इसीलिए वो लोग डिजेबल करके रहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो पोस्ट हो। तो देखिए यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड शो करेगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे इंटरनेशनल परचेज, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पोस्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल। तो और आपके जो कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल कितना आपको लिमिट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पे आपको यस करना होता है, मैं आपको फिर से पर दिखा देता हूँ क्या करना है। तो देखिए आपके कार्ड का नाम दिया हुआ है स्टोर फ्रंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल परचेज, पोस्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो मैंने अपना इंटरनेशनल आपने डिजेबल किया है, और नीचे आके लिमिट अपना सेट कर सकते हो आप, कार्ड लिमिट, कैश विड्रॉल सब पूरा अच्छे से दिया है। अब इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पर उसको यस कर देंगे। तो अब देखिए ये मेरा हो चुका है, एक OTP आएगा कन्फर्मेशन के लिए, OTP डालूँगा मैं यहाँ पे। बस ये अभी
हो गया सबमिट। तो इसी तरीके से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।